श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। संजय बोले हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टमस्वर्ग मकीर्ति करमर्जुन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नै तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे महावीर को यह नपुंसकता शोभा नहीं देती, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहावरिसूदन। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध अपने इसी धनुष बाण से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वह दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे केशव, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न चैत द्विदमह कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः
याने वह त्वान जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे केशव, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे परिवारी जन धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए हे केशव, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित मेरे लिए कल्याणकारी हो वह मुझे कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। नहि प्रपश्यामि ममापनोद्या क्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि हे केशव, हे जनार्दन, भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को मुस्कुराते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों जैसी बात करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः स
सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम, तुम और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, युवापन और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान रूप से समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह महापुरुष मोक्ष के योग्य होता है। नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे पार्थ, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं होती और सत का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा सदैव देखा गया है। अविनाशी तु तद्विधे येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, उसको तू नाश रहित निश्चित रूप से जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग रूप में व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे पार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। पार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो आत्मा को मृत मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पार्थ, यह जीवात्मा जो है वह किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस जीवात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इस जीवात्मा को जल नहीं गला सकता, और वायु सर्वदा कभी भी नहीं सुखा सकती। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अलोचयम् सनातनः। पार्थ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह जीवात्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित कहा जाता है, इसलिए हे अर्जुन, इस जीवात्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक मत कर, तुझे शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। किंतु हे पार्थ, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा
सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के कदापि योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु सुनिश्चित है और मरे हुए का जन्म सुनिश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य कदापि नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, इसलिए केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेदन चैव कश्चित्। हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य कदापि नहीं है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यार्थयुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते, अतः तू युद्ध कर। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित पापम अवाप्स्यसि। किंतु हे पार्थ, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर
महापाप को प्राप्त होगा। अतः युद्ध कर। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति जो है वह मरण से भी बढ़कर होती है। भयाद्रणादुपरतम् मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और तेरे वैरी लोग भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य कटु वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख तुम्हारे जीवन में और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, वह सर्वथा तुम्हें नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन बहुशाखाह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है,
किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और क्षेम को प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, तू केवल कर्म कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म
बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाह फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। पार्थ, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतित ऋष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति धीह किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह मनुष्य उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिति धीर्मुनिरुच्यते। अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
हे पार्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर नहीं प्रसन्न होता और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा संघरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, यही समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त होती है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।
अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर केवल परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम्। अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पार्थ, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामः कामी। पार्थ, जैसे समस्त नदियों के जल चारों तरफ से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना उसे विचलित किए हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला कभी नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांशरते निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित
अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति, स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः।